हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्रदेश भर के एडीसी के साथ हुई बैठक समाप्त हो चुकी है। मीटिंग के बाद सीएम मनोहर लाल का बयान आया है कि परिवार पहचान पत्र योजना के लिए एडीसी को तमाम जिलों में नोडल अधिकारी बनाया गया है। उन्होंने कहा कि तमाम अधिकारी योजना पर अमल के लिए काम कर रहे हैं और प्रदेश भर का डाटा इकट्ठा किया जा चुका है। हरियाणा में पहले जो सबसे गरीब परिवार है उनको लाभ पहुंचाया जाएगा, इनका रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है, वही इनकम वेरिफिकेशन का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2,50,000 से कम इनकम भरने वाले 4,00,000 परिवारों की फील्ड में लोकल कमेटी के जरिए वेरिफिकेशन कर रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में 7 डिपार्टमेंट की एक टास्क फोर्स बनाई है जो ये जानकारी लेगी कि उन परिवारों को क्या सहायता दी जा सकती है जो इस वेरिफिकेशन पर खरा उतरते हैं। एडीसी को इस काम के लिए नोडल अधिकारी बनाया गया है। उन्होंने कहा कि लगभग 75,000 लोगों ने जो डिक्लेयर की वो सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक नहीं थी। हमारे पास वेरिफिकेशन के कई तरीके हैं, उनसे वेरीफाई कर रहे हैं। सीएम ने बताया कि एक ही दिन में आज पीएम के साथ 2 वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश उत्सव को लेकर उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है और 70 सदस्यीय समिति में मुझे भी सदस्य बनाया गया है। हाँ, आज मित्रों परिवार पहचान पत्र को जो आपको पता है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम हमने शुरू किया था और काफ़ी आगे बढ़ गया है वो, चूँकि उसमें मुख्य काम पहले परिवारों का रजिस्ट्रेशन, फिर उसके बाद उन परिवारों की वेरिफिकेशन और अब उसमें जो इनकम वेरिफिकेशन है उसका काम चल रहा है। हमने 25,000 रुपये से कम जिन्होंने अपनी इनकम भरी है फैमिली, चूँकि सबने जो भरी होती है वो कोई एकदम ऐसा नहीं कि ठीक होती है, उसमें कई तरह की गलतियां भी होती हैं, कई तरह की लापरवाही भी होती है। ऐसे लगभग 4,00,000 परिवार जिन्होंने कहा कि हमारी 25,000 रुपये से भी कम इनकम है, लेकिन हम नहीं मानते हैं ऐसी कम होगी तो हम इसको, और जो 50,000 रुपये तक की इनकम भी लिखते हैं ऐसे सब परिवारों को फील्ड में लोकल कमेटीज़ को भेज दिया है और उसमें 5-5 लोग अलग अलग क्षेत्र के उसमें लगाए गए हैं। इंडिपेंडेंटली वो सब वेरीफाई करेंगे और वापस उसको भेजेंगे। फिर हमने 7 डिपार्टमेंट्स को कह करके और एक टास्क फोर्स ये बनाई है, प्रदेश स्तर पर वो टास्क फोर्स रहेगी चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में, ऐसे ही जिलों में डिप्टी कमिश्नर के अध्यक्षता में वो टास्क फोर्स बनेगी ताकि इनसे जानकारी लेके क्या वो काम कर सकते हैं उसी प्रकार की उनकी सहायता की जाएगी। किसी को इन काइंड सहायता करनी होगी वो करेंगे, किसी को इन कैश एडवांस देना होगा वो देंगे, ऐसे सब लोगों को कम से कम इंटरेस्ट आदि की जो सुविधाएं हैं वो फ्री करने की, जीरो इंटरेस्ट की वो सुविधाएं सब देंगे ताकि उस परिवार को काम करके और आगे बढ़ने के लिए मौका मिले। ऐसे एडीसीज को हमने इस सारे काम का नोडल ऑफिसर बनाया सब जगह, हर जिले में, तो आज सब एडीसीज आए हुए हैं तो और बाकी विभागों के अधिकारी भी हैं, उन सब ने मिल करके इस काम को पूरा करने के लिए संकल्प किया है कि 30 अप्रैल तक ये सारे काम शुरू हो जाएंगे। देखिए विषय ये नहीं है, ईडब्ल्यूएस को छोड़ने का विषय नहीं है, कमज़ोर में भी जो सबसे कमज़ोर है उसकी पहचान करना, फिर धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाना। आज आखिर एक परिवार है जो बहुत ही निम्न स्तर पर है उसकी पहचान करके पहले उसकी सहायता करना, फिर उससे आगे उसको आगे सहायता करते चले जाना, अन्यथा इससे पहले बहुत ऐसा होता रहा है कि जिसको सहायता वास्तव में चाहिए वो सहायता लेने के लिए भी आ नहीं सकता। हमारी सारी योजनाएं ऐसे होती हैं कि योजना हमने दे दी, जिसको चाहिए आगे आके ले जाओ, ले जाने वाले हर तरीके का एक कुछ लोग ठीक भी हैं जो ले जा रहे हैं, कुछ जो ठीक नहीं है वो भी ले जाते हैं, लेकिन पात्र व्यक्तियों को चीज़ मिले उसके लिए एक साइंटिफिक तरीके से इस काम को किया जा रहा है और मैं समझता हूँ ये हमने किसी को नहीं देखा है करते हुए, हमने तो स्वयं इसकी योजना बनाई है और एक अच्छी योजना, जैसे बहुत योजनाएँ हमारी हरियाणा की पहले भी अच्छी बनी हैं उनको सबको बाकी प्रदेशों ने रेप्लीकेट किया है और इस योजना के प्रति तो बहुत प्रदेशों ने और इवन विदेश के लोगों ने भी, पिछले दिनों में यूके के हाई कमिश्नर आए हुए थे, उन्होंने भी इस योजना की जानकारी ली और बहुत अच्छी लगी उनको कि रियल टाइम बेसिस पर ये डाटा इकट्ठा करके हर परिवार का एक अच्छी योजना बनाई जा सकती है। प्रयोग कर रहे हैं, मुझे लगता है इस प्रयोग में हमको सफलता मिलेगी। नहीं नहीं, सब हमारा 1,80,000 बीपीएल की कैटेगरी 1,80,000 है। नहीं, जिन्होंने सेल्फ डिक्लेरेशन जो दी थी
वो जिसने कुछ ने तो 25,000 यही से नीचे दी, किसी ने 50,000 यही से नीचे दी। हम नीचे से जो सर्वे करने के लिए लिस्टें ले रहे हैं जिन्होंने सेल्फ डिक्लेयर किया, वो नीचे से धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। पहले 25,000 के लोगों का सूची लेकर के उसने पुश किया था, अब उसको 50,000 रुपये तक की जो जिन्होंने सेल्फ डिक्लेरेशन की है उसको पुश करेंगे, फिर उनको वेरीफाई करेंगे। नहीं, वेरीफिकेशन के बाद कुछ परिवार निश्चित रूप से जिन्होंने स्वयं डिक्लेयर किया उससे ज़्यादा आने ही वाले हैं, क्योंकि बहुत लोगों ने जो अपनी आय डिक्लेयर की बाद में सरकारी रिकॉर्ड से उसको वेरीफाई किया गया तो लगभग 75,000 परिवार ऐसे थे जिनकी डिक्लेरेशन वो ठीक नहीं निकली। तो एक स्वभाव होता है मनुष्य का, वो कम से कम लिखवाता। हमारे पास वेरीफिकेशन के जितने तरीके हैं उन सबको करके जो वास्तव में कम आय के होंगे उनको सहायता करें। मैं अभी जा ही रहा हूँ, समय हो गया मेरा। देखिए, आज संयोग ऐसा है और बड़ा सौभाग्य है कि एक ही दिन में प्रधानमंत्री जी के साथ दो वीडियो कॉन्फ्रेंस हो रही हैं। एक सुबह हो गई है जिसमें 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी का जो 400वां प्रकाश पर्व है उसको मनाने के लिए कुछ स्तरीय समिति बनी है, प्रधानमंत्री जिसके अध्यक्ष हैं और उसमें लगभग 70 के आसपास और सदस्य जुड़े गए हैं। मुझे भी सौभाग्य मिला है एक सदस्य के रूप में उसमें रहने का, तो सारे देश भर के जो लोग थे उनमें से प्रमुख लोगों ने अपने विचार भी रखे, कुछ कार्यक्रमों के सुझाव भी दिए हैं। 1 मई से और वो प्रकाश पर्व का जो मनाने का कार्यक्रम है वो शुरू होगा दिल्ली से। अभी कुछ विचार किया जा रहा है, एक समितियाँ बनाएंगे पहले और समिति बनाने के बाद ऐसे लोगों को बुला करके और विचार करके और सारे प्रदेश भर में क्या क्या कार्यक्रम होंगे। एक घोषणा आज मैंने की है कि यमुनानगर में जो बनने वाला हमारा मेडिकल कॉलेज है जिसके हमने घोषणा की है उसका नाम श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम से रखा जाएगा। सर, 14 तारीख से सार्वजनिक कार्यक्रम भी आप करेंगे, जिलाध्यक्षों के साथ बैठक भी हुई थी। 14 तारीख को डॉक्टर अम्बेडकर जी का जो जयंती का दिन है वो मेरा कार्यक्रम है प्रदेश स्तरीय, जैसे पहले भी हम प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम करते हैं और बाकी भी प्रदेश में अलग अलग जगह पर सब लोग डॉक्टर अम्बेडकर जयंती को मनाएंगे। कोरोना का भी डिपार्टमेंट के साथ बैठेंगे, डिपार्टमेंट ने कुछ बनाया जो वर्तमान स्थिति आपको बताया। पहले मैंने बताया कि कोरोना फिर से दोबारा से बढ़ रहा है, आगे चिंता का विषय है और सारे प्रदेश की जो परिस्थिति है, जो हमारी व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में बताएंगे। जो गाइडेंस हमको प्रधानमंत्री जी और से मिलेगी उसका पालन करेंगे। लास्ट मीटिंग आपकी 25 तारीख को यहीं पर हुई थी कोटा लॉ को लेकर, उसमें आपने कहा था कि कुछ अमेंडमेंट आप कर सकते हैं, उसको भी विचार किया? कौन सा लॉ? 75% नहीं, सुझाव आए थे इंडस्ट्रीज के, सुझाव आए थे और वो अभी अंडर कंसिडरेशन है, बैठ के बातचीत करके और उसमें जो परिवर्तन होंगे आपको बताएंगे। धन्यवाद। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक